गुरेज में भारतीय सेना की आउटरीच पहल के हिस्से के रूप में भारतीय सेना और उपमंडल अस्पताल डाबर के डॉक्टरों की एक टीम के द्वारा तमाम गांव में एक संयुक्त चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया। ये पहल उन ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें अस्पताल पहुंचने के लिए हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। शिविर का उद्देश्य उनकी बीमारियों को जांच कर पहचान कर उन्हें परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराना था। आर्मी डेंटल डॉक्टर के द्वारा मुफ्त दंत चिकित्सा जाँच के अलावा रक्तचाप, शुगर, गैर संचारी रोग और अन्य बीमारियों के लिए कुल 57 स्थानीय लोगों की जाँच की गयी। सेना और SDH की ओर से मुफ्त दवाएं भी मुहैया कराई गयी और घाटी में ओमिक्रॉन को बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बरतने के बारे में शिक्षित किया गया। इन पहलों को न केवल ग्रामीणों की कठिनाइयों को कम करने में मदद की है बल्कि यह आश्वासन भी दिया है कि सेना और नागरिक की प्रशासन की गुरेज के प्रगति और विकास के लिए अपने हाथ से काम कर रहे हैं। नायन राजपूत की ओर से एक यहाँ पे मेडिकल कैंप मुनक्कद हुआ था, मैं इनका काफी शुक्रगुजार हूँ और सिविल डॉक्टर भी थे और सीओ साहब का भी, नायन राजपूत के सीओ साहब का भी काफी शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने लोगों को यहाँ पे टाइम पे दवाई पहुँचाई और उनका मेडिकल जो शॉप था उसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह बाकी चीजें हो गई। मैं आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हाँ, कल से गुरेज नई बस्ती में मेडिकल कैंप नायन राजपूत ने यहाँ पे आज लगाए, इनका बहुत शुक्रगुजार है हम, जो एक तो अपने देश की राखी, दूसरा लोगों की खिदमत कर रहे, अपने घर छोड़कर आकर ऐसी पहाड़ियों में एक थोकी देश की राखी, दूसरा तमाम आवाम के लिए खड़ा है हर हमेशा दवाई लेकर। इस बर्फानी इलाका में सुबह 7 बजे से यहाँ खड़ा है, बच्चा बच्चा जो भी पेशेंट थे हर किसी को दवाई मिली। हम नायन राजपूत के सब अफिसर खासकर सीओ साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं।